नमस्कार दोस्तों, आज हम इस वीडियो में Vivo X80 Pro 5G versus Google Pixel 7 5G का फुल डेप्थ कंपैरिजन करने वाले हैं। इसके अलावा इसी कीमत में आने वाले दूसरे स्मार्टफोन की जानकारी भी आपको वीडियो के लास्ट में देंगे। सबसे पहले बात करते हैं दोनों फोन के डायमेंशन की। दोनों फोन की लेंथ की बात करें तो X80 Pro 5G में 6.48 इंच जबकि Pixel 7 5G में 6.13 इंच की लेंथ मिलती है, जो कि X80 Pro 5G से कम है। विड्थ की बात करें तो X80 Pro 5G में 2.96 इंच जबकि Pixel 7 5G में 2.88 इंच की विड्थ मिलती है, जो कि X80 Pro 5G से कम है। बात करें थिकनेस की तो X80 Pro 5G में 0.36 इंच जबकि Pixel 7 5G में 0.34 इंच की थिकनेस मिलती है। अब बात करते हैं वेट की तो X80 Pro 5G में 219 ग्राम्स जबकि Pixel 7 5G में 197 ग्राम्स का वेट देखने को मिलता है। तो चलिए अब हम डिस्प्ले को कंपेयर करते हैं। डिस्प्ले टाइप की बात करें तो X80 Pro 5G में AMOLED जबकि Pixel 7 5G में OLED की डिस्प्ले मिलती है। एस्पेक्ट रेशियो दोनों फोन में सेम ही 20:9 मिलता है। डिस्प्ले साइज की बात करें तो X80 Pro 5G में 6.78 इंचेस जबकि Pixel 7 5G में 6.3 इंचेस मिलती है। डिस्प्ले रेजोल्यूशन X80 Pro 5G में 1440x3200 और Pixel 7 5G में 1080x2400 मिलता है। स्क्रीन टू बॉडी रेशियो X80 Pro 5G में 89.6% जबकि Pixel 7 5G में 84.13% मिलता है। बात करें PPI डेंसिटी की तो X80 Pro 5G में 518 पिक्सेल प्रति इंच जबकि Pixel 7 5G में 418 पिक्सेल प्रति इंच मिलती है। अब देखते हैं डिस्प्ले के अन्य फीचर्स यानी विशेषताएं की, जो कि मोबाइल फोन का महत्वपूर्ण हिस्सा है। अब बात करते हैं सबके पसंदीदा फीचर्स कैमरा की। दोस्तों, सबसे पहले बात करें मैन कैमरा की तो X80 Pro 5G में 4 कैमरा देखने को मिलता है, जिसमें कि प्राइमरी कैमरा, अल्ट्रा वाइड एंगल कैमरा, टेलीफोटो कैमरा और आखिर में पेरिस्कोप टेलीफोटो कैमरा देखने को मिलता है। और Pixel 7 5G की बात करें तो इसमें 2 कैमरा देखने को मिलता है, जिसमें कि प्राइमरी कैमरा और आखिर में अल्ट्रा वाइड एंगल कैमरा देखने को मिलता है। बात करें वीडियो कैमरा की तो X80 Pro 5G में 9 डिफरेंट टाइप के फीचर्स मिल जाते हैं और Pixel 7 5G की बात करें तो उसमें 8 डिफरेंट टाइप के फीचर्स मिल जाते हैं। अब बात करें फ्रंट कैमरा यानी कि सेल्फी कैमरा की तो दोनों फोन में सिंगल कैमरा देखने को मिलता है, जिसमें कि 4 डिफरेंट फीचर्स मिलते हैं। आइए अब बात करते हैं हार्डवेयर के बारे में, जिसमें हम CPU, GPU, RAM की इंफॉर्मेशन देखते हैं। हार्डवेयर में सबसे पहले CPU, जो कि स्पीड के हिसाब से देखा जाए तो फोन में सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है, उसकी डिटेल्स देखते हैं। GPU की बात करें तो X80 Pro 5G में Adreno 730 जबकि Pixel 7 5G में Mali G710 MC10 मिलता है। चिपसेट की बात करें तो X80 Pro 5G में Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1 और Pixel 7 5G में Google Tensor G2 मिलता है। बात करें RAM की तो X80 Pro 5G में 12GB जबकि Pixel 7 5G में 8GB RAM मिलती है। बात करें इंटरनल मेमोरी, जिसको हम स्टोरेज भी कहते हैं, वो X80 Pro 5G में 256GB जबकि Pixel 7 5G में 128GB स्टोरेज मिलती है। एक्सपेंडेबल मेमोरी दोनों फोन में नहीं है। ऑपरेटिंग सिस्टम की बात करें तो X80 Pro 5G में Android V12 जबकि Pixel 7 5G में Android V13 देखने को मिलती है। बैटरी X80 Pro 5G में 4700 mAh जबकि Pixel 7 5G में 4355 mAh देखने को मिलती है। आइए अब मेन फीचर को देखते हैं। कलर्स की बात करें तो X80 Pro 5G में 1 कलर्स जबकि Pixel 7 5G में 3 कलर्स ऑप्शन मिलते हैं। सब इन्फॉर्मेशन देखने के बाद बात करें प्राइस की तो
X80 Pro 5G 12GB RAM 256GB स्टोरेज के साथ 79,999 रुपीस में मिल जाता है। और बात करें Pixel 7 5G की तो वो 8GB RAM 128GB स्टोरेज के साथ 59,999 रुपीस में मिलता है। दोस्तों अब बात करते हैं प्रॉन्स एंड कॉन्स यानी कि फायदे और नुकसान की। तो Vivo X80 Pro 5G में 8 फायदे और 5 नुकसान देखने को मिलता है, जबकि बात करें Google Pixel 7 5G की तो उसमें 7 फायदे और 5 नुकसान देखने को मिलता है। फाइनली बात करें है रिजल्ट की तो डिस्प्ले में दोनों फोन सेम ही है, मेन कैमरा में दोनों फोन सेम ही है, फ्रंट सेल्फी कैमरा में दोनों फोन सेम ही है, परफॉर्मेंस में दोनों फोन सेम ही है। दोस्तों अब हम सेम प्राइस में आने वाले दूसरे फोन को भी देख लेते हैं। पहले कॉम्पिटिटर फोन की बात करें तो उसमें Google Pixel 7 Pro 5G है, दूसरा Econeo 6 5G है, तीसरा Samsung Galaxy S21 5G है और लास्ट कॉम्पिटिटर फोन की बात करें तो उसमें OnePlus 10 Pro 5G है। और ये सारे फोन की डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है या आपके किसी भी काम में आया है तो प्लीज लाइक करना मत भूलना।